Hello everyone. Well, the today's topic is expression for intensity of magnetic field at a point on the axis of a circular coil. बीओ सावर्ट लॉ हम देख चुके थे. बीओ सावर्ट लॉ बेसिकली मतलब स्ट्रेट आपके पास जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया था, इन दैट केस इट वॉज अ स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर का एक सेक्शन लिया था और उस सेक्शन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हो रहा था, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था. अभी जो ले रहे हैं दैट इज़ अ सर्कुलर कॉइल. ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल लिया गया है. ठीक है, इस कॉइल का रेडियस आपके पास ए है और इस पूरे कॉइल को छोटे छोटे सेक्शन में, छोटा सा लेंथ डी एल में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. ठीक है, जब भी इस तरह का मतलब हम इस स्मॉल लेंथ में अगर हम अपने पूरे सर्कुलर कॉइल को अगर हम डिवाइड करते हैं, देन वी आर अप्लाइंग द कैलकुलस मेथड. लास्ट में फिर हम एक जो मेथड अप्लाई करते हैं, कैलकुलस मेथड, जिसमें इंटीग्रेशन के थ्रू अपने कैलकुलेशन को हम इजी करते हैं. ठीक है, तो एक डी एल लेंथ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. सेंटर ऑफ द कॉइल से पी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास एक्स है. डी एल लेंथ से आपका जो पी का जो डिस्टेंस है दैट इज आर. ठीक है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये आपको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अब देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है ना. लेट ए बी द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट. आई जो करंट है वो आपकी फ्लो हो रही है इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन शोन इन द फिगर. ओके, अ पॉइंट पी इज कंसीडर्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप एट डिस्टेंस ए, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ओ, विच द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड. लेट द लूप इज डिवाइडेड इन टू सो मैनी एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डी एल. लेट वन सच पार्ट इज ए बी. ठीक है, तो सारे जो एक पार्ट के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कैलकुलस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन. फिगर तो यहाँ पे मैंने बना दिया है, फिगर आपका ये है. और डेरिवेशन के लिए फिर आपका स्टार्ट करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी ऑल नो कि हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीओ सावर्ट लॉ में हमने स्टडी किया था. डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द डी एल सेक्शन, सो इट इज आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन हेयर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन है आपका, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर. तो अगर आप कोई भी सर्कुलर पार्ट का आप सेक्शन लीजिए, स्मॉल पार्ट अगर आप लेते हैं तो आपके पास एंगल 90 डिग्री ही आएगा. तो और एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इट बिकम म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग. वी ऑल नो कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर यहाँ डी बी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा क्रिएट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी. तो डायरेक्शन के लिए अगर आपको पी पॉइंट पे अगर आपको फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से फैलाते हैं. ठीक है, और जो आर जो है आर डिस्टेंस पे, तो जो इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, मतलब हमारा जो थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो पी पर आर के परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, डी बी की डायरेक्शन होगी. लेट इट इज डी बी वन, लेट इट इज डी बी वन. ओके, नाउ पी पॉइंट पे आप क्या करिए, एक नॉर्मल ड्रॉ करिए. यहाँ पे एंगल बिटवीन डी बी एंड दिस नॉर्मल इज 5.
नॉर्मल हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो डी बी वन जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो आपका हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये एंगल की वैल्यू मेरे पास आती है 90-5, ठीक, और ये 90-5 और ये पूरा 90 है, मतलब दिस एंगल विल बी फाइव, ओके। सो दिस एंगल विल बी फाइव। चलिए कैलकुलेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एवरी डीबी है ना, यहाँ पे ये डीबी वन निकला आपके पास। सिमिलरली इस स्मॉल सेक्शन के लिए यहाँ पे अगेन आपका जो आर डिस्टेंस पे है ना, क्योंकि सर्कुलर जो शेप है वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल इन शेप होता है डीबी टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिकॉज डीबी वन आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी कैन डिवाइड डीबी वन इंटू इट्स कंपोनेंट। दिस वन विल बी डीबी वन कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, ये कंपोनेंट अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो बिकम फाइव, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा डीबी टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, और जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो आपके यहाँ रहेंगे डीबी वन साइन फाइव, और यहीं पे आपका आएगा डीबी टू साइन फाइव। तो रिजल्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइन कंपोनेंट के कारण कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कॉस कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट इट लाइक बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन ऑफ थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ फाइव, सॉरी थीटा नहीं होगा, फाइव होगा, जितने साइन कंपोनेंट्स हैं सारे हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका एक्सप्रेशन है, जितने कांस्टेंट है सारे को बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू साइन फाइव। हियर पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाइव, इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप साइन फाइव लगाते हैं तो साइन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, सो इट बिकम ए बाय आर। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साइन फाइव की वैल्यू कॉमन निकाल लीजिए, ए अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टू दी पावर 3। आप सर्कुलर के अगर उसको छोटे छोटे सेक्शन में अगर मैं इस पूरे पार्ट को अगर ऐड कर देती हूँ तो इट बिकम 2 पाई ए हो जाएगा, ये 2 पाई ए, ठीक। तो ए और ए आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होके म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 3। ये जो आ गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँ तो आई कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर बी की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई है ना 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 3/2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लाइन।
गर्म रखना।